सिंधिया राजघराने के जिस किले को बेहद मजबूत माना जाता था, उस किले को भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता ने ढहा दिया। इस बड़े उलटफेर के बाद देश की इस चर्चित सीट ने पिछले करीब 4 दशक के सिंधिया राजघराने के इतिहास को एक तरह से बदल कर रख दिया है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये हार सिंधिया राजवंश पर एक करारी चोट की तरह देखी जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर अपने पूरे शबाब पर थी, उस समय गुना और छिंदवाड़ा सीट ऐसी एकमात्र सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने लाज बचाई। लेकिन 2019 की मोदी सुनामी ने इस बार गुना को भी पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। छिंदवाड़ा सीट की अपवाद मानी जा सकती है, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ की साख की वजह से उनके बेटे नकुलनाथ की सीट को बचाने में कामयाबी हासिल हुई। लोगों और सिंधिया समर्थकों ने इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कभी सिंधिया का चेला कहे जाने वाले डॉक्टर केपी यादव ही सिंधिया को करारी शिकस्त दे डालेंगे। शुरुआती रुझान से केपी यादव ने अपनी बढ़त बना ली थी, जो आखिरी समय तक बरकरार रही और आखिर में केपी ने 1,25,000 के वोटों के रिकॉर्ड जीत दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की। सिंधिया राजवंश की एक परंपरागत सीट का जमींदोज होना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव ने सिंधिया राजघराने की इस परंपरा को तोड़ ही नहीं बल्कि सांसद सिंधिया के 20 साल के तिलिस्म को भी एक झटके में तोड़ दिया। देश भर में चर्चा में आई भोपाल की सीट पर भले ही लोगों की राय जुदा जुदा हो, लेकिन गुना संसदीय सीट को लेकर जो दाग सिंधिया राजघराने पर लगा है, वह शायद ही कभी धुल पाए। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जीत की राह को आसान करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। पूर्व राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल को अपने साथ मिलाकर उन्होंने किला फतेह समझ लिया था। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी का साथ पाकर भी सिंधिया चुनाव में अपनी जड़ें मजबूत मानकर चल रहे थे, लेकिन यह ख्वाब सिंधिया के लिए सब्जीबाग ही साबित हुआ। गुना संसदीय सीट पर सबसे पहले राजमाता विजय राजे सिंधिया ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। उनके रहते हुए कभी भी इस सीट से नहीं हारी। यही बात उनके पुत्र दिवंगत माधवराव सिंधिया पर भी लागू हुई, जिन्होंने इस लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करी। माधवराव सिंधिया की विरासत को संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी राजनीति का आगाज धमाकेदार अंदाज से किया। इसके बाद वह लगातार 20 साल तक सीट पर काबिज रहे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी शाह के चुनावी मैनेजमेंट ने सिंधिया घराने की चिर परिचित सीट को भी अपने खाते दर्ज करा लिया। डॉक्टर केपी यादव की जीत भाजपाई किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। मतगणना की सुबह जैसे नतीजे केपी यादव के पक्ष में आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आभास हो गया था कि गुना की सीट पर अब भाजपा की ताल ठोकेगी। सिंधिया के वर्चस्व वाली इस सीट की 8ों ही विधानसभा में केपी ने शुरुआती रुझान से ही अपनी बढ़त को बरकरार रखा। गुना शहर से सिंधिया को 47,000 वोटों की करारी शिकस्त मिली। शिवपुरी कोलारस से भी 50,000 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस बमोरी विधानसभा को अवैध माना जा रहा था, वहां से मध्य प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री और हाल ही में कांग्रेस के समर्थन में आए कन्हैयालाल अग्रवाल भी उनकी हार के अंतर को कम नहीं कर पाए। बमोरी विधानसभा में सिंधिया को 11,000 से अधिक वोटों से पराजय झेलनी पड़ी। मजेदार बात तो यह है कि अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली, जिसने 2014 में लोकसभा चुनाव में सिंधिया की लाज बचाई थी, इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों भी लगातार सिंधिया को पिछड़े ही बनाए रखा। इन तीनों ही विधानसभा में सिंधिया को 60,000 मतों से हार का मुंह देखना पड़ा। 7 विधानसभा में हार का सामना करने वाले सिंधिया को पिछोर विधानसभा से ही 47,000 वोटों से जीत मिली। वोटों के अंतर से ही सिंधिया इस बार पिछड़ गए। सिंधिया का पिछली बार 1,20,000 मतों से जीत मिली थी, लेकिन 2019 में चुनाव में सिंधिया के खाते में करीब 4,00,000 वोट ही आ पाए। इसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव ने रिकॉर्ड 5,21,000 वोटों से अपने खाते में जोड़कर जनता से मिली शानदार जीत का सेहरा
अपने सिर बांधा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता के इस जनाधार को शिरोधार्य करते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली। जारी किए अपने ट्वीट में सिंधिया ने कहा कि दो दशक तक उन्होंने जनता के सेवक के रूप में काम किया है। वे जनता के इस फैसले का पूरी शिद्दत के साथ सम्मान करते हैं। हार के बाद भी वे एक जनसेवक के रूप में ही आगे इसी तरह से काम करते रहेंगे। इस ट्वीट के साथ सिंधिया ने डॉक्टर केपी यादव को जीत की बधाई भी दी।